नमस्कार, मैं हूं निर्मल राजपूत और आप देख रहे हैं कैंपस खबर। 9 मंथ का समय केआर डिग्री कॉलेज के प्राचार्य को बीत चुका है और इन बीच जो प्राचार्य की तरफ से जो कार्य किए गए हैं वो क्या क्या कार्य किए गए हैं और कॉलेज के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं क्या कार्य किए जा रहे हैं, मैं प्रवीण साहब से जान लेता हूँ कि कॉलेज की जो दशा और दिशा है वो लगातार सुधर रही है, क्या वजह है, कितने प्रयास इनकी तरफ से हो रहे हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि बदलाव निश्चित रूप से आ रहा है, क्योंकि उसे आप महसूस कर रहे हैं, आप स्वयं ही इस चीज़ के यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं कि कॉलेज में पहले की अपेक्षा विकास हुआ है। देखिए, जब से मैंने इस कॉलेज को संभाला है तो मेरे सामने जो सबसे बड़ी दो चीज़ें रही हैं वो रही हैं, एक हम महाविद्यालय के अंदर बच्चों को एक सुरक्षित एकेडमिक एनवायरनमेंट दे पाएँ, जो क्योंकि शिक्षक की पहचान उसके एकेडमिक से ही होती है, बच्चों को जो शिक्षा का स्तर है वो उच्चतम स्तर का मिल सके, इसका प्रयास लगातार हम और हमारे जो प्रोफेसर साथी हैं सब लोग मिल करके कर रहे हैं। लगातार हम लोग बैठ करके इसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं कि किस तरीके से हम नई एजुकेशन पॉलिसी को और जो दूसरी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको बेस्ट तरीके से उनको कर पाएँ। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अभी कल ही हम लोगों ने जो खेल दिवस मनाया है उसको बहुत ही शानदार तरीके से हमने मनाया। उसमें जो हमारे विधायक जी थे श्रीकांत शर्मा जी, वो आए थे और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा हमारी और हमारे प्राध्यापकों की। तो इसी तरीके से हम लोगों ने अभी मिशन शक्ति और जो दूसरे सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, तिरंगा वगैरह, ये सब हम लोगों ने बहुत उत्साह के साथ मनाए। 15 अगस्त का कार्यक्रम भी महाविद्यालय में बहुत धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाया गया। दूसरा जो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था वो था यहाँ की बिल्डिंग का, क्योंकि भवन की स्थिति बहुत ख़राब थी। इस चीज़ को मुझे भांपने में ज़्यादा समय नहीं लगा, हम लोगों ने समय रहते ही उस बिल्डिंग को अबंडन कर दिया था और वो बिल्डिंग अनफॉर्चुनेटली गिर भी गई, उसका एक हिस्सा। तो उसको भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई CSR फंड्स के मदद से या जो दूसरे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, जो हमारे अपर जिलाधिकारी हैं ADM वित्त जो हैं योगानंद पांडे जी, वो भी बहुत संजीदा हैं इस मुद्दे को लेकर के। पूरी फाइल पत्रावली मैंने उनके पास भेजी हुई है और उन्होंने सक्षम जो हमारी संस्था है उनके माध्यम से उसके डिमोलिशन के लिए अनुमति भी दे दी। अभी प्रोसेस चल रही है, आगे बहुत जल्दी हम उम्मीद कर सकते हैं कि महाविद्यालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छी स्तर का होगा और एकेडमिक को मैं और मेरे साथी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और उसको बेस्ट लेवल पर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी 9 महीने में के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी काम हुआ है। सर, अभी आपने बिल्डिंग की बात कही, उसके ध्वस्तीकरण के जो आदेश हैं DM साहब की तरफ से वो फाइल चल गई है, इसका जो ध्वस्तीकरण है वो कब तक हो जाएगा और जो छात्र छात्राएं हैं उनको नई बिल्डिंग की सौगात कब तक मिलेगी? देखिए, ये डेट बताना तो मेरे लिए संभव नहीं है, है ना। तो कारण उसका ये है कि उसमें हर स्तर पर मेरा सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किंतु काम चल रहा है। मैं आपको इतना अश्योर जरूर कर सकता हूँ कि बहुत जल्दी निकट भविष्य में हम यहाँ एक बदला हुआ स्वरूप जरूर देखेंगे और एक KR महाविद्यालय आपको बिल्कुल बदला हुआ नजर आए। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, 9 रूम हैं, इनमें कक्षाएं बरकरार चल रही हैं, एक चैलेंजिंग भी है आपके लिए भी है और प्रोफेसर्स के लिए भी है, उसे किस तरह से फेस कर रहे हैं? देखिए, जब हमारा साइंस का और कॉमर्स का ब्लॉक गिर गया था तो हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि वो हम कक्षाएं किस तरीके से चलाएं, बच्चों का जो हित है, जो फीस उन्होंने यहाँ सबमिट की हुई है, वो हम किसी भी तरह से बच्चों के साथ हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मैंने सभी जो हमारे सीनियर प्रोफेसर्स हैं उनकी एक बैठक बुलाई थी और उसमें मैंने अपना जो प्रण था वो उनको बताया कि हमें किसी भी तरह से बच्चों को बेस्ट देना है। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि सारे प्रोफेसर्स ने मेरा सहयोग दिया और उन्होंने कहा कि सर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ हैं और इस महाविद्यालय में हम एकेडमिक लेवल पर कोई समझौता नहीं करेंगे, हम कक्षाओं को 2 तरीके से चलाएंगे। हमने उस जो बच्चों की कक्षाएं थी फैकल्टी वाइज उनको 2 पार्ट्स में बांट करके सुबह और शाम में करके इस तरह से हमने कक्षाएं चलाईं और मैं आपको बड़े गर्व के साथ बता रहा हूं कि पूरे शायद यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी कक्षाएँ इस महाविद्यालय में चलीं, बच्चों को काफ़ी कुछ दिया गया। हालांकि समय यूनिवर्सिटी की तरफ से ही हमें पढ़ाने के लिए कम मिला था, किंतु जो भी समय मिला उसमें हमारे टीचर्स ने अपना बेस्ट दिया। अब हमारे सामने जो दूसरा चैलेंज था वो था कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कराने का, तो वो आप बाहर जाकर के देख सकते हैं कि परीक्षाएं बिल्कुल शुचितापूर्ण तरीके से, पूरी निष्पक्ष तरीके से, बिना नकल के बहुत अच्छे से कराई जा रही है।
बिल्कुल, जिस तरह से कॉलेज में कक्षाएं चल रही हैं और न्यू एडमिशन भी लगातार चल रहे हैं, हर विभाग में एडमिशन चल रहे हैं और युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, काबिले तारीफ है। लेकिन सर, जिस तरह से बिल्डिंग गिरी हुई है, साइंस के जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी भारी दिक्कतें होने वाली हैं। मान के चलिए जैसे अब उन्हें सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम जो है वो लैब की है, उसे कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, आज ही मेरे डीएम साहब से भी लैब को लेकर के चर्चा हुई है और लैब की वास्तव में हमारे सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम है, किंतु मैं आपको बस यही अश्योर कर सकता हूँ कि जो हमारी फैकल्टी है वो पूरा अपना प्रयास कर रही है कि हम अपने लेवल पर बेस्ट दें। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनको देखिए सॉर्ट आउट होने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, रातों रात में कुछ नहीं होता है, ठीक है। रोम बनाने में भी बहुत लंबा समय लगाता है, कहावत है कि रोम भी एक रात में नहीं बनाता, तो टाइम ज़रूर लगेगा। किंतु बस आप, और क्योंकि आप समाज का एक दर्पण है, समाज और हमारे बीच में कड़ी के रूप में है, तो आप यही आप सबको मेरी तरफ से आश्वस्त कर सकते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ बहुत बड़ा काम होगा और बहुत जल्दी होगा। एक आखिरी सवाल और सर, जिस तरह से कॉलेज की बिल्डिंग जर्जर है और मैं ये चाहूँगा कि बहुत लोग समृद्ध हैं और यहाँ मैं भी ये चाहता हूँ कि कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो जल्द से जल्द बने, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कॉलेज को एक अनुदान के रूप में कुछ धनराशि देना चाहते हैं? ऐसे सभी जो समाज के संजीदा लोग हैं, समाज के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो शिक्षा से कहीं जुड़े हुए हैं या शिक्षा को आगे पनपते हुए देखना चाहते हैं, उन सभी से मेरी अपील है कि देखिए, शिक्षा का जो महाविद्यालय है या कोई भी विद्यालय है, ये शिक्षा के मंदिर हैं। इसमें वही भावना हमारी रहनी चाहिए जो एक मंदिर में जाने के समय हमारी होती है। मंदिर के लिए भी हम लोग दान पुण्य करते हैं, हम ये समझते हैं कि भगवान इससे प्रसन्न होगा। मेरा ये उन सभी लोगों से अपील है कि शिक्षा के मंदिर में वो दान दें, उन अपना अनुदान दें, क्योंकि यदि हम किसी बच्चे को शिक्षित कर पाते हैं और आगे ले जा पाते हैं तो शायद इससे बड़ा पुण्य का लाभ कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे सभी लोगों से, सभी प्रबुद्धजनों से मेरी प्रार्थना है, मेरा विनम्र निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि इस महाविद्यालय को भी अपना कुछ अंशदान दें और जिससे कि ये महाविद्यालय आगे बढ़ सके और ऊंचाइयों के सोपानों को छू सके। ये थे मेरे साथ में KRPG डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल साहब। इन्होंने बताया कि जिस तरह से कॉलेज में समस्याएं होने के बावजूद भी लगातार जो क्लास हैं वो चल रही हैं, काबिले तारीफ है और मैं छात्र छात्राओं को लगातार क्लास दे रहे हैं, नए एडमिशन भी चल रहे हैं और लगातार वो छात्र भी शिफ्ट के हिसाब से यहाँ पढ़ाए जाएंगे। एक नई सीरीज के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।